भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। समय से पहले बारिश हो जाने से किसानों को काफी हुआ नुकसान। इस संबंध में किसानों का कहना है कि समय से पहले बरसात हो जाने के कारण धान की रोपाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, क्योंकि अभी खेत में धान की रोपाई के लिए बीज डाला गया था और खेतों की तैयारी होने वाली थी, तब तक बरसात हो गई। एक तरफ खेत की तैयारी ना हो पाना, दूसरी तरफ बारिश की वजह से खेतों में बड़ी बड़ी घासें उग जाना, जिससे धान की रोपाई बाधित हो गई है। और साथ ही साथ ज्वार, बाजरा, मूंग, टांगून, मडुआ, सावा आदि की फसल की बुआई भी बाधित हो गई है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं। न्यूज 9 भारत के लिए बिलेरियागंज से आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल की विशेष रिपोर्ट। आपका? हमारा शुभ नाम गजराज यादव। गजराज जी, ये बताइए कि ये जो मौसम खराब हुआ है, बरसात हुई है बिन मौसम की, इससे किसानों का क्या नुकसान हुआ है? किसानों का नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ है। जैसे? क्योंकि धान की रोपाई की खेती की जो तैयार करना था वह खेती तैयार नहीं हो पाई, खेतों में घास उगाई है, और अरहर की खेती जो बुआई करना था वो पिछड़ रही है, मिट्टी न सही मिट्टी न मिलने के कारण से किसानों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहा जाएगा कि ये जो बरसात हुआ है इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे नुकसान है, इससे पूरा नुकसान है। आदमी खेत में बिया डाल चुका है और जुताई नहीं कर पाया। खेत की जुताई भी नहीं हो पा रही है, और हमेशा बारिश होने से खेत की खेती, बाजरे की खेती, ये सब गड़बड़ हो रहा है, खेत गीला हो जा रहा है, इसलिए जुताई भी नहीं हो पा रही है।